जी, मैं बिल्कुल मिका जी की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी मिका जी से बात हुई। मैं उनसे मिली, मैंने उनकी आंखों में पहली बार आंसू देखे। उनसे जब बात करी तो लिटरली वो ही वॉज क्राइंग। इतना पेन नज़र आया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके हम लोग इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके आगे बढ़ते, स्टार बनते हैं, और कोई भी आके किसी स्टार पे ऐसे कंट्रोवर्सी कर देता है, उस पे इल्ज़ाम लगा देता है। क्या इजी टारगेट होते हैं क्या स्टार्स? तो मेरी सारी बातें हुई, मैंने पूछा क्या क्यों केस हुआ, किस बारे में, प्रियंका कौन है, क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो लड़की मॉडल है या डिज़ाइनर है, पता नहीं मुझे क्या है कौन है। तो वो हमेशा मोबाइल में कॉन्वर्सेशन पे हमेशा मैसेज करती है उनको, सिडक्टिव मैसेज करती है, कभी सेक्सी वाले मैसेज करती है, कभी गलत गलत टाइप के। बस एक बार मिलो, आप मुझे देखो, एक बार मिलो। एंड वो हमेशा मना करते रहे कि मुझे नहीं मिलना है, मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ में हूँ। फिर भी हमेशा सताती रही। मैंने उनको कहा कि आप ब्लॉक ब्लॉक मार देते। बोलता उतना कहाँ टाइम रहता है, इतने सारे फैंस को अगर ब्लॉक मार देंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर पता नहीं, एक घर में एक दो बार आना जाना भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मिका जी उनको जानते हैं, वो अनेक काम करने गए और कुएं में गिर गए, जिसे कहते हैं। तो वैसे ही सडनली ये 4-5 बजे अर्ली मॉर्निंग उनके घर में घुसी। कोई तो दरवाजे से घुसता है, ये पहली बार खिड़की से घुसी। तो ये ऐसा क्या था, मिका जी जी के बेडरूम में या उनके किचन में या उनके घर में ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा लेना था कि ये खिड़की से घुस के आई और गाली गलौज करने लगी, धमकी देने लग गई और फिरौती मांगने लग गई। कभी 5 करोड़ की, कभी अलग अलग अमाउंट, कभी 25 लाख की। जितना मेरे पास मैसेज है मैं उतना ही अमाउंट बोलूँगी, उसका एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूँगी। कभी कपड़े फाड़ने की धमकी, कभी कपड़े निकालने की धमकी, कभी इमीडिएटली घर में जाके 100 नंबर दबाना, हेलो पुलिस मुझे बचाओ बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ, मैं मिका के घर में हूँ और मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। कितनी गलत बात है ये। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस को सारा चीज़ें तो अभी वो मेरे पास तो आई नहीं, तो वरना मैं तो खुद ही उसका सब पूछ लेती, भाई बात क्या है, और आप लोग को बता देती मैं सब। लेकिन अगर कहीं से मेरा फोन उठा नहीं रही है, मैं फोन कर रही हूँ। तो कहीं मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पुलिस में कहीं साबित नहीं होगा कि मिका जी फॉल्ट में है, वरना मिका जी मुझे सब कुछ बता देती। मैं मिका जी के इतने करीब हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि वो लड़की गलत है। मैं कभी भी किसी लड़की को कभी गलत नहीं बोलना चाहूँगी। मैंने हमेशा महिलाओं को सपोर्ट किया है। मोदी जी ने इतने अच्छे कानून बनाए महिलाओं के लिए, पहली बार मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहली बार इतने अच्छे कानून आज तक नहीं बने थे कि किसी लड़की के साथ बुरा होता है, छेड़ते हैं, आई टीजिंग होता है, या उसको कुछ भी होता है तो जाके पुलिस स्टेशन में बिंदास कंप्लेंट कर सकती है, यू नो। लेकिन कुछ लड़कियां जो इस कानून जो बनाए हैं इसका गलत फ़ायदा उठा रही, ये गलत बात है, गलत फ़ायदा उठा रही है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उन पीड़ित लड़कियों को इस चीज़ों का भुगतना पड़ेगा। आप मुझे मिका जी की वकील कहिए, दोस्त कहिए, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो वो आप कुछ कहिए। देखिए मिका जी इसलिए नहीं आ रहे, इसलिए मैं प्रेस के सामने आई हूँ, क्योंकि उन पर धाराएं कौन सी लगाई गई है, 3 धाराएं लगाई गई है, वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 3 धाराएं उनको उन पे लगाई गई है, 354, 323, 504 ICP, IPC की धाराएं लगाई गई है। तो वो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं मीडिया के सामने आऊँगा और हम दोनों बैठेंगे, उनके वकील, हम तीनों ही बैठेंगे, मीडिया को सारी सच्चाई बताएंगे। उनसे पहले उनको उनको बेल लेनी है, उन्होंने कहा मैं पहले बेल ले लूँ, क्योंकि ये हमारा कानून है और उनको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। अभी पुलिस उनको पुलिस स्टेशन बुलाएगी, उनका बयान लेगी। उन्होंने लेटर तो भेजा ही है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। थैंक गॉड के CCTV फुटेज था, CCTV, मैं कहती हूँ हर घर घर में CCTV लगाना चाहिए, हमारे मेरे घर के बाहर भी है, हर इंसान के छोटे बड़े हर घर में। मैं तो बोलती आजकल जमाने में खाना ना हो तो चलेगा, CCTV लगाओ। डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ, वीडियो मुझे मिका जी ने 3 वीडियो भेजे हैं, वो लड़की के, प्रियंका के। और पहले तो ये मिका जी ने, ये देखिए, पूरा
पूरा कॉन्वर्सेशन है, उन्होंने मुझे, मिका जी ने सब बताया है कि 4-5 बजे कुछ अर्ली मॉर्निंग में वो घुस गई खिड़की से लड़की, फिर पूरे कमरे में जाके पता नहीं क्या कर रही है, तांडव कर रही है, गाली गलौज कर रही है, सुबह सुबह पता नहीं कुछ ड्रग्स व्रग्स लेकर आई है अर्ली मॉर्निंग में, और पुलिस को 100 नंबर दबा के पुलिस को बुलाया, पूरी पुलिस भी खड़ी है और कुछ औरतें भी एनजीओ की बैठी हुई है, उनको गाली गलौज कर रही है, पुलिस को गाली गलौज कर रही है, और पुलिस को कह रही है, देखिए मेरे पास वीडियो, मैं आप लोग को देती हूँ कि तुम सब रिश्वत खोर हो, पुलिस को कह रही है, मैं तो पुलिस की बेटी हूँ, पुलिस को आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो आपकी सेवा के लिए आए हैं, हम खाकी की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। किसी इंजीनियर लड़की को धमकी दे रही है और वो कह रही है कि मैं सबको ओपन करूंगी सबको, तो एनजीओ के लिए औरतें कह रही है आप हमको थ्रेड कर रहे हो, वो तो मैं चैलेंज कर रही हूँ, कितनी कॉन्फिडेंट है लड़की। फिर से करूँ, तो दिखाए ना, मैं कहती हूँ अगर लड़की के पास कोई भी सबूत है तो पुलिस को दिखाए ना, अगर मिकाजी कसूरवार है वो तो पुलिस को वो दिखाए ना, लड़की सबूत दिखाए ना, कुछ ऐसा कुछ है तो। पुलिस को गालियां दे रही है जिन्होंने, उन्होंने फोन करके पुलिस को बुलाया, तो गालियां दे रही है। मिका जी खुद ने ही वीडियो लिए, पुलिस को बोला घूस लेके नहीं चलाते हमारी जिंदगी, देखो 5 करोड़ किसने मांगे, देखिए ऐसे बहुत वीडियो में आप लोग को दे देती हूँ, देखिए जो लड़की पुलिस को गालियाँ दे रही है, एनजीओ में फीमेलें बैठी हैं, फीमेलें बैठी है उनको गालियाँ दे रही है, मिका को धमकी दे रही है, तो देखिए मैंने हमेशा एक महिला का सपोर्ट किया है, मैंने हमेशा महिला का सपोर्ट किया, लेकिन इस बार मैं इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक आदमी बेकसूर है, इसलिए मैं मिका का सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे सब ने कहा कि तू मिका का सपोर्ट कर रही है, मैंने कहा हाँ कर रही हूँ, क्योंकि इस बार वो बेकसूर है तो क्यों ना करूं, मुझे कह रहे तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी बदनामी के डर से, मेरी मैं अपनी बदनामी के डर से किसी आदमी पे जुल्म हो रहा है या उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है तो क्या मैं ये होने दूं, वो भी मेरे फ्रेंड है, मेरा घर का रिश्ता है मिका जी से, दिलेर पाजी से, उनके पूरे परिवार से। देखो एक लड़की ड्रग्स लेकर आती है, खिड़की से कूद कर आती है, कमरों में जाती है, बेडरूम में जाती है, हर जगह जाती है, क्या छुपाती है, क्या सबूत छुपाती है घर में पता नहीं, उसमें बहादुरी कहाँ से हुई, कौन से, ये ऐसी कौन सी हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों की ऐसी कौन सी बहादुरी है। आपके साथ गलत हुआ तो आप पुलिस स्टेशन डायरेक्ट जाइए ना,
आप आरोपी के मतलब जो घर में है उनके घर में घुसी, वो भी खिड़की से दरवाजे से नहीं, और 100 नंबर में जल्दी से फोन, आओ 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 बचाओ भगवान, मुझे भगवान के लिए बचा लो, कोई मेरा ये कर रहा है, गलत है ना, कोई मेरा रेप कर रहा है, ये गलत है ना, खुद ही कपड़े फाड़ती है, ये तो फिल्म का सीन हो गया बॉस, ये तो फिल्म का सीन हो गया ना, गलत है ना। आपको नहीं लगता मीका जी को आना चाहिए था, कहीं ना कहीं अगर जितना लेट करेंगे अपनी छवि उनकी खराब। देखिए हमारे हिंदुस्तान में कोई कानून होता है, वो कानून होता है तो पहले मीडिया कानून से बड़ी नहीं है ना, वो पहले कानून के पास तो जाना पड़ेगा ना, वो पहले केस बनता है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर मीका जी को बुलाएंगे, या कुछ पूछताछ किए बगैर मीका जी को खींच के तो नहीं लेके जा सकते ना पुलिस। तो वैसे ही जैसे मीका जी बेल मिल जाएगी उनको कोर्ट से, पहले मीडिया के पास आएंगे वो, क्योंकि अभी उनकी काफ़ी बदनामी चल रही है टीवी पे।